क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेसेस एंड आइडेंटिटीज वी आर रीडिंग एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन 4 इज सिंपलीफाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट ये अपन ने इसकी पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे और अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वायर अब इसमें ये देखिए अब इसमें टू कंडीशन है ठीक है टू कंडीशन है तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये लॉन्ग आएगा तो सेम कंडीशन जिस तरीके से अपन ने सेकेंड और थर्ड पॉइंट किए थे तो पहले इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और जो सेकेंड कंडीशन बनाकर फिर इसको सोल्व करेंगे फिर दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे ओके और फर्स्ट कंडीशन क्या है 4m प्लस 5n का स्क्वायर ठीक है तो ये राइट किया तब इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटीज हो रही है तो मैंने एक तरीका बताया था कि ये इसको एलेट करेंगे फिर यहाँ पे क्या है प्लस अब इसको बी लेट करेंगे ओके तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर तो इससे ये पता चल गया कि इसमें ए प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओके तो अब इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है ओके ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4m ओके और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से 5n ओके तो ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी प्लेस पर ये पुट कर देंगे बिकॉज ये इसी से ही तो बना है तो 4m प्लस 5n का स्क्वायर इक्वल ए की वैल्यू अपने पास क्या है 4m ए की वैल्यू और स्क्वायर है तो ब्रेकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4m मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5n ओके अब क्या है यहाँ पे प्लस ओके तो अब ये बी की वैल्यू क्या है 5n तो 5n और ब्रेकेट लगाकर इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर गॉट इट अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ये कितना हो गया 4 4 16m स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम ठीक है 2 टाइम है मीन्स 2 टाइम 4 4 16 प्लस 4 2 8 ठीक है 8 5 40 m और n राइट किया प्लस सेम कंडीशन 5n का 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम इज 5n मल्टीप्लाई 5n तो 5 5 25 और n की पावर 2 तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे ओके अब सेम कंडीशन सेकेंड ओके तो ये फर्स्ट कंडीशन में इसको सॉल्व किया सेकेंड कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे 5m प्लस 4n की पावर 2 5m प्लस 4n की पावर 2 इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ए और बी वाली ठीक है ए प्लस बी वाली स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहां से ए की वैल्यू पता चल गई 5m बी की वैल्यू 4n ओके अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी प्लेस पे इसको राइट कर लेंगे 5m प्लस 4n का स्क्वायर इक्वल अब इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करना ए की वैल्यू कितनी है 5m और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए की वैल्यू 5m मल्टीप्लाई बी की वैल्यू n प्लस बी स्क्वायर तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 4n और स्क्वायर है तो ब्रेकेट लगाकर अपन लगाएंगे स्क्वायर ओके तो अब इसको सॉल्व करेंगे 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 5 5 25 m की पावर 2 है तो m की पावर 2 प्लस 5 2 10 10 4 40 m n प्लस सेम कंडीशन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 n की पावर 2 ओके तो ये अपनी बन गई सेकेंड कंडीशन अब क्वेश्चन में है कि प्लस है तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्यों किया क्योंकि इसके क्वेश्चन में प्लस है इसका आंसर प्लस इसका आंसर तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या आया अपने पास ये ठीक है इसके बाद प्लस लगाएंगे फिर सेकेंड कंडीशन तो सेकेंड कंडीशन का आंसर ये आया तो इस तरीके से ये फर्स्ट कंडीशन
ओके अब प्लस लगाया और सेकंड कंडीशन का आंसर ओके तो अभी देखते इसमें कुछ भी माइनस नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ प्लस ही होगा ओके। पहले अपन लाइक टर्म अरेंज करते हैं, 16 एम स्क्वायर, अब एम स्क्वायर और कहीं दिख रहा है अपने पास, ये है ठीक है, तो प्लस 25 एम स्क्वायर ठीक है। अब एम एन प्लस 40 एम एन, एम एन और कहाँ है, ये है अपने पास प्लस 40 एम एन। अब है एन स्क्वायर प्लस 25 एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर और कहाँ है अपने पास, ये है प्लस 16 एन स्क्वायर ओके। तो इस तरीके से अपन ने लाइक टर्म अरेंज कर दिए। अब एम स्क्वायर जहाँ दोनों है ये लाइक टर्म है, तो इन दोनों की डिजिट प्लस हो सकती है क्योंकि दोनों प्लस में, प्लस कर देंगे 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 और 2, 2 और 1 3, 1 4 और एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर प्लस 40 40 एम एन क्या हो जाएंगे 80 एम एन ओके। 25 एंड 60 एन स्क्वायर को प्लस कर देंगे कितना हो गया 5 6 11 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर ओके। दिस इज आंसर। फिफ्थ पॉइंट इज 2.5 पी माइनस 1.5 क्यू माइनस 1.5 पी माइनस 2.5 क्यू का स्क्वायर ठीक है। अब इसमें दोनों में माइनस है ठीक है, कंडीशन भाई ये पहले फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड कंडीशन को सोल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन लिए इसमें कौन सी आइडेंटिटीज हो रही है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये a की वैल्यू है जो a पे एरो लगाया 2.5p, a की वैल्यू और b की वैल्यू है 1.5q। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी प्लेस पे ये एज इट इज राइट कर देंगे, अब क्या है इक्वल a की वैल्यू 2.5p स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2.5p मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1.5q प्लस ठीक है b की वैल्यू कितनी है 1.5q स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ओके। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है 25p का 2 टाइम मल्टीप्लाई ओके। तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा 625 और 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट है तो 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट लगा देंगे। ये देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से 25 2 केरी 5 2 से 10 10 और 2 12 मल्टीप्लाई 5 2 से 10 1 केरी 2 2 से 4 15 कितना आ जाएगा 5 2 6 ओके। और 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट है तो 6.25 पी स्क्वायर ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2.5 और 1.5 इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिए 25 टू जा 50 होते हैं 50 और 1 डिजिट की बिफोर पॉइंट है तो 1 डिजिट की बिफोर पॉइंट लगा दिया ओके। अब 1.50 तो 1.50 ठीक है, ये पॉइंट जीरो है तो इस तरीके से अपन पॉइंट जीरो हटा देंगे ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 5 जा 75 1 डिजिट की बिफोर पॉइंट है तो 1 डिजिट की बिफोर पॉइंट 7.5 आंसर कितना आ गया 7.5 पी और ये क्यू प्लस 15 मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब ये देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 का मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 टू केरी 5 1 जा 5 2 7 मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 1 1 जा 1 5 7 5 12 2 1 केरी 2 और 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट है तो कितना आ गया 2.25 2 टाइम था इसलिए 2 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई किया, क्यू है और क्यू की पावर तो 2 होगी ओके। तो ये अपनी क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन सोल्व हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ये है सेकंड कंडीशन राइट की ओके। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू पता चल रही है 1.5p और बी की वैल्यू 2.5q इस तरीके से राइट कर दी। अब इसकी प्लेस पे इसको राइट कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू, तो इसकी जो प्लेस पे
1.5p माइनस 2.5q का स्क्वायर इक्वल एक ही प्लेस पर 1.5p, ओके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब है माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1.5p मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2.5q प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू 2.5q की पावर 2, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है। अब 15 मल्टीप्लाई 50 मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अभी मल्टीप्लाई किया था 2.25 पी है यहाँ पे तो पी का स्क्वायर आएगा माइनस, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 अभी इन तीनों का मल्टीप्लाई किया था कितना आ रहा था 7.5 पी एंड क्यू प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 किया था कितना आ रहा है 6.25, ओके और यहाँ पे क्यू है तो क्यू स्क्वायर, ओके इक्वेशन सेकेंड। ठीक है अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, ओके बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर माइनस इसका आंसर, तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर अपने पास ये है माइनस लगाएंगे, सेकेंड कंडीशन का आंसर ये है, ओके तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। मैंने बताया जब भी माइनस होगा तो अगली जो कंडीशन होगी उसमें ब्रेकेट लगाएंगे, ओके तो अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक राइट कर लेंगे, उसके बाद में इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे 6.25 पी स्क्वेयर माइनस 7.5 PQ प्लस 2.25 Q स्क्वायर, ओके माइनस। अब यहाँ से साइन चेंज होते जाएंगे 2.25 P स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7.5 PQ माइनस प्लस माइनस 6.25 Q स्क्वायर, ओके अब ये देखने कोई डिजिट कट तो नहीं रही है, जो डिजिट कटेगी उसको कट कर देंगे। अब ये देखिए 7.5 PQ ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट हो जाएंगे। अब ये देखिए 2.25 Q स्क्वायर 2.25 P स्क्वायर लेकिन ये अलग अलग है तो यहाँ पे ये कोई सी डिजिट कट नहीं हो रही है, 6.25 है लेकिन ये P है और ये Q है तो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो पहले P वाली कंडीशन लिखेंगे 2.25 P स्क्वायर और पी स्क्वायर कहाँ है ये है माइनस 2.25 P स्क्वायर, ओके अब यहाँ पे क्या है प्लस 2.25 Q स्क्वायर और Q स्क्वायर वाला ये है 6.25 Q स्क्वायर, ओके अब ये देखिए जो लाइक टर्म इस P स्क्वायर नहीं इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है इन दोनों को कॉमन ले लिया या फिर डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, ठीक है इन दोनों को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 6.25 माइनस 2.25 प्लस अब इसमें भी Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे 2.25 माइनस 6.25 तो इसका अपोजिट कर देंगे बाद में। अभी देख 6.25 में से 2.25 माइनस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से माइनस करते तो कितना आ गया 4.00 तो मीन्स 0.00 है तो ये तो हट ही जाएगा तो आंसर अपने क्या आ गया ओनली 4, तो ये 4 आया 4 और ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर। अब क्या है अपने पास यहाँ पे प्लस, ओके क्यू स्क्वायर यहाँ पे तो अपन जो माइनस करेंगे तो बिग डिजिट में से तो स्मॉल को माइनस करना है जिस तरीके से ये अपन ने किया था वही आएगा, लेकिन 4 आंसर तो आएगा लेकिन बिग डिजिट माइनस है तो माइनस 4 तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर प्लस माइनस 4 आगे आ जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4Q स्क्वायर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज AB प्लस BC माइनस 2AB स्क्वायर C, ठीक है अभी देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कौन सा फॉर्मूला लग रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ये होती है तो A की प्लेस पे क्या रखना है AB और B की प्लेस पे क्या रखना है BC, ठीक है तो A स्क्वायर मीन्स A की प्लेस पे कितना रखना है AB का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 A की प्लेस पे AB और B की प्लेस पर BC प्लस
बी की प्लेस पर क्या है, बी सी है और अपना ये स्क्वायर है तो ब्रेकेट लगाकर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इसकी प्लेस पर ये राइट हो गया। ठीक है, मीन्स जो इसकी वैल्यू पुट करना थी। अब माइनस क्या है, टू ए बी स्क्वायर सी। अब इसका टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए, ए वन टाइम है इन दोनों में और बी टू टाइम है तो बी स्क्वायर एंड सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी ए बी स्क्वायर सी। अभी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे टू ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर सेम कंडीशन बन रही है। ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट हो जाएंगे तो बचा क्या अपने पास, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। दिस इज आंसर। नाउ लास्ट पॉइंट इज सेवन। ओके, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम की पावर टू। अभी देखिए इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही तो ये आइडेंटिटी राइट कर ली, ए की प्लेस पे एम स्क्वायर बी की प्लेस पे एन स्क्वायर एम ये राइट कर ली। ओके, अभी देखना है इसकी प्लेस पर आइडेंटिटी जो है इसमें ही तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है एम और ये स्क्वायर है तो इसलिए ए स्क्वायर लगा दिया। अब क्या है माइनस टू ए की वैल्यू एम स्क्वायर एंड बी की वैल्यू एन एन स्क्वायर एम प्लस बी, बी की वैल्यू पूरी एन स्क्वायर एम है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और प्लस आगे क्या लिखा हुआ था टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये राइट कर लिया। ओके, अभी देखिए टू टू जो फोर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर पावर में पावर हो तो माइनस टू एम स्क्वायर और टू और ये वन एम ओ है तो एम की पावर कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी। ओके, और एक और यहाँ पे एन स्क्वायर है तो ये वन टाइम ही है प्लस, अब ये देखिए एन स्क्वायर तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो टू टू सा एन की पावर कितनी हो गई फोर और एम की पावर यहाँ पे कुछ नहीं थी अंदर तो ओनली टू ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है प्लस टू एम क्यू एन स्क्वायर। अभी देखिए ये माइनस थी और ये प्लस में सेम है एम क्यू एन स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये कट हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचा यहाँ पे एम फोर प्लस एन फोर एम स्क्वायर। ओके, ये फोर है तो दिस इज आंसर, क्वेश्चन फोर कंप्लीटेड।